नागपुर शहर में कौन व्यक्ति किस मकसद से घूम रहा है यह पहचान पाना नामुमकिन है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इस मुहावरे के तर्ज पर गुरुवार शाम स्थानीय लोहापुल बस स्टैंड पर घटी घटना में अज्ञात चोर ने एक कार में से 2,60,000 रुपए नकदी और महत्वपूर्ण कागजात से भरी एक बैग चालाकी से उड़ा ली। प्राप्त जानकारी के मुताबिक फरियादी इरोस अपार्टमेंट धर्मपेट निवासी अनिल कुमार नारायण प्रसाद पांडे गुरुवार शाम को लोहापुल बस स्टैंड से अपनी कार क्रमांक MH40B9799 से जा रहे थे कि अचानक उनकी कार पंचर हो गई। फरियादी और कार का ड्राइवर गाड़ी से उतरकर स्टेपनी बदलवाने में व्यस्त हो गए। इसी दौरान कार की सीट पर रखी बैग एक अज्ञात चोर ने चालाकी से गायब कर दी। बैग में 2,60,000 रुपये नकद और महत्वपूर्ण कागजात थे। बैग गायब होने की बात जैसे ही फरियादी को पता चली तो वे आश्चर्यचकित हो गए। तुरंत फरियादी अनिल पांडे ने बैग लिफ्टिंग होने की शिकायत सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में जाकर दर्ज कराई। इस संबंध में सीताबर्डी पुलिस स्टेशन के PI अतुल सबनीस ने VKB न्यूज से घटना के संबंध में जानकारी दी। ऐसे जे फिरियादी आहेत हे इरोस मोटर्स आणि इरोस फर्निचर या कंपनीमध्ये काम करतात। कंपनीची काही कॅश त्यांच्याजवळ होती। दिनांक 20 जानेवारी रोजी संध्याकाळी 6:15 सुमारास ते लोहापूल येथून येत असताना त्यांची जी 4-व्हीलर होती ती पंक्चर झाली आणि त्यावेळेला पंक्चर झाल्यामुळे ती गाडी साईडला लावली होती आणि याच्यातील फिर्यादी हे ठसका लागल्यामुळे ते थोडेसे गाडीपासून दूर गेले होते व ड्रायव्हर हा स्टेपनी काढून स्टेपनी बदलण्याच्या नादात होता। त्याच दरम्यान गाडीमध्ये एक लेदरची बॅग ठेवली होती। त्या बॅगमध्ये 2,60,000 रुपये कॅश व इतर काही कागदपत्रे होती। तर त्यांची नजर चुकवून कोणीतरी अज्ञात इसमाने ती बॅग पळवून नेली। त्याबाबत आमच्याकडे गुन्हा दाखल झालेला आहे। याबाबत पुढचा तपास चालू असून CCTV निगराणीखाली आहेत तर त्या दरम्यान आमचा तपास चालू आहे। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।